नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। करीब दो महीने पहले हुए उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। इस मामले को लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान भी मचा। पीड़ित पक्ष की ओर से गैंग रेप और हत्या का मामला दर्ज कराया गया, लेकिन जब बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो सभी चौंक उठे, क्योंकि इसमें रेप की पुष्टि हुई नहीं थी। वहीं सूबे की योगी सरकार ने पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार ने चारों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया। मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, इसके लिए सीबीआई जांच की घोषणा कर दी गई। लेकिन इस मामले में जातीय दंगा कराने का भी खुलासा हुआ। इस कांड के बहाने दंगा फैलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पास मॉरिशियस से 50 करोड़ रुपए आए थे। ईडी ने दावा किया कि पूरी फंडिंग 100 करोड़ से अधिक रुपए की थी। दंगे की साजिश रचने के आरोप में मेरठ से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके अलावा पीड़िता के घर में एक ऐसी संदिग्ध महिला मिली थी जो खुद को पीड़िता की भाभी बताकर मीडिया और नेताओं से पीड़ित परिवार का पक्ष रख रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि उस औरत का पीड़ित परिवार से कोई रिश्ता नहीं था। मीडिया में उसे नक्सली भाभी के नाम से जाना गया। बाद में उसकी कुंडली सामने आई कि वह जबलपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक सहायक प्रोफेसर है। वह छुट्टी लेकर हाथरस पहुंची थी और योगी सरकार के खिलाफ साजिश रच रही थी। इस मामले में पीड़ित परिवार भी महिला से मिला हुआ था। इसके बाद एक और खुलासा हुआ, जिसके बाद पीड़ित के परिजन शक के घेरे में आ गए। खबर आई है कि पीड़ित की हत्या उन लोगों ने नहीं की जिन पर आरोप लगे हैं, बल्कि पूरा मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ है। यानी हत्या के आरोप की सुई पीड़ित के घर वालों की ओर जा पहुंची। इसकी बड़ी वजह बनी पीड़िता के परिजनों के बार बार बयान बदलने की। अब सीबीआई जांच में इन्हीं बिंदुओं को पीड़ित परिवार से सवाल पूछ रही है, तो सवाल का जवाब देने के बजाय परिजन उल्टा सीबीआई पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि उनसे ऐसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं जो आरोपियों से पूछे जाने चाहिए। इसी को लेकर मीडिया में सीबीआई की पूछताछ को खलनायक बनाकर पेश किया जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि सीबीआई की जांच का मतलब मामले का दूध और पानी करना होता है। यानी अगर ऑनर किलिंग या दंगे भड़काने की साजिश में पीड़ित परिवार पर आरोप लगे हैं तो पूछताछ करना जरूरी होगा। यदि उन पर लगे आरोप गलत साबित होते हैं तो यकीनन सीबीआई उन्हें क्लीन चिट देगी। ऐसे में सीबीआई की जांच में सहयोग करने की जरूरत है, ना कि सीबीआई जांच पर सवाल खड़े करने की। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मीडिया में जो खबर आ रही है कि सीबीआई पूछताछ के बाद पीड़िता की मां खेत की मेड़ पर बैठकर क्यों रोई, उसकी असली वजह क्या थी। इस केस में करीब 5 बार सीबीआई पीड़िता की मां, दोनों भाई, पिता और भाभी से पूछताछ कर चुकी है। कई बार गांव में पूछताछ की गई है और कई उन्हें अपने कैंप कार्यालय में बुलाया गया। सीबीआई ने आरोपियों के परिजनों के साथ साथ खेत में जाकर आरोपियों से भी पूछताछ की, जबकि आरोपी पहले ही जेल से एसपी के नाम पर पत्र भेजकर खुद को निर्दोष बता चुके हैं। शुक्रवार को सीबीआई ने पीड़िता के भाई और उसके मां को बुलाया था, क्योंकि घटना के समय वो दोनों वहां मौजूद थे। सीबीआई ने जब घटना स्थल पर जाकर पीड़िता की मां से सवाल दागे तो वे उनका जवाब देती रही। बाद में खेत की मेड़ पर जाकर रोने बिलखने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर सीबीआई की एक महिला अफसर उसके पास पहुंची और सांत्वना देकर चुप कराया। मृतिका के पिता ने साफ कहा कि उनकी बेटी की मां का रोना सीबीआई पूछताछ से नहीं जुड़ा है। उन्होंने कहा कि उसे हर पल बेटी की याद आती है, उसे उसने अपने हाथों से पाला था, लेकिन घटना स्थल को देखते ही उसे रोना आता है। इसलिए पत्नी जब घटना स्थल पर पहुंची तो वो खूब रोने लगी। पिता का कहना है कि जिसका आदमी जाता है दर्द केवल उसी को होता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मामले की जांच जब सही दिशा में जा रही है तो मीडिया इसमें भ्रम फैलाने की कोशिश क्यों कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।